this is alaikum students. i am your pakistan studies teacher. Uh, i am going to teach you our book of our class 9 syntax textbook for jamshoro in class 8. let's continue chapter number 2, the making of pakistan. in the last topic, we have discussed about the constitutional proposal. in the next, we will discuss about the shimla conference. as you can see, i have posted a picture about the khadi -e azam and the lady we

तो उस वक्त जो है लॉर्ड बेबल उनको जो है इंडिया का वॉइस रॉय बनाकर भेजा गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ठीक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरिया एज़ यू कैन सी उनको इसलिए भेजा गया ताकि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान मीटिंग करवा सके क्योंकि उस वक्त तक पॉलिटिकल हालात जो थे हिंदुस्तान के वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं थे क्यों क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों को अपना एक विजन मिल चुका था क्योंकि उन्हें एक अपने नया इस्लामी रियासत चाहिए थी जिसका नाम था पाकिस्तान और हिंदू मुसलसल इस बात पे जो है वो मुतफ़ थे कि उन्हें पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर नहीं बनने देना है तो जिसकी वजह से जब हालात को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड बैवल को भेजा गया लॉर्ड बैवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को आपस में यूनाइट किया उन्हें कन्वेंस किया कि वो साथ मिलकर बैठे और एक मीटिंग करें 1945 में शिमला के मुकाम पर आपकी मीटिंग हुई हुईदेज़म ने जो है वो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया मगर कांग्रेस ने जो एक मुस्लिम लीडर को चुना कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने एक मुस्लिम लीडर को इसलिए चुना ताकि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैसेज दे सकें कि मुस्लिम लीग जो एक प्रोपोगेंडा कर रही है कि उन्हें एक अलग रियासत चाहिए वो झूठ है हम मुसलमानों में कोई भी फ़र्क नहीं रखते हैं हमारे लिए मुसलमान बिल्कुल वैसे ही हैं हमारे भाइयों की तरह हैं तो इसलिए आप देख लीजिए कि हम एक मुसलमान को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को हम खड़ा कर रहे हैं अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो आप ये सोचें कि हमारे दिल में कितने सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों के लिए ये सब कुछ फ़ेक था ये सिर्फ एक दिखावा था ये आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो ट्वेंटी फिफ्थ जून नाइनटीन फोटी फाइव को स्टार्ट हुई काफ़ी दिनों तक ये चलती रही फिर उस पर लॉर्ड बैवल जो है उन्होंने फिर जो वो क्या चाहते थे आखिर में उन्होंने जो नतीजा निकाला उन्होंने कहा कि फाइव मिनिस्ट्रीज जो है वो मुसलमानों को दी जाएंगी फाइव मिनिस्ट्रीज हिंदूज़ को दी जाएंगी और थ्री मिनिस्ट्रीज जो है वो माइनॉरिटीज़ को दी जाएंगी सेंट्रल एजस्लेशन हो या कोई भी असेंबली फॉर्म होगी उसको इस तरीके से बांटा जाएगा आपकी सेंट्रल एजिस्लेशन को मगर कांग्रेस जो थी वो फाइव मिनिस्ट्रीज़ जो है मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हिंदू ये मानते थे कि हिंदुओं की तादाद मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है और अगर किसी का राइट हिंदुस्तान पर बनता है इंडिया पर बनता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू का है तो वो चाहते थे मुसलमानों को सिर्फ उनकी तादाद के लिहाज से वो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ में काउंट करते थे तो वो चाहते थे मुसलमान माइनॉरिटीज़ में हैं तो माइनॉरिटीज़ की वजह से उनको जो है सिर्फ एक मिनिस्ट्री दी जाए कायद अजम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया ठीक है कायद अजम ने इस चीज़ को निगलैक्ट किया और क्योंकि वो कांग्रेस की इस विश जो विश की थी कि मुसलमानों को सिर्फ एक मिनिस्ट्री दी जाए उन्होंने इसको इन्कार कर दिया और इनकार के बाद कायद अजम ने जो है वो जनरल इलेक्शंस की डिमांड कर दी जब कायदे ने जनरल इलेक्शन की डिमांड की तो कांग्रेस और अदर पोलिटिकल पार्टीज़ इस ने इसे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस ने नाइनटीन थर्टी सेवन के इलेक्शन विन किए थे नाइन्टीन थर्टी के बेहतरीन तरीके से इन इलेक्शन विन किए थे उनके माइंड्स में अभी भी यही था कि वो दोबारा से वो अगर इलेक्शन कायद कायदेजम ने रखे हैं तो वो इस कॉन्फिडेंट में वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन रख लिया तो कोई मसला नहीं है कि रख रखने दो इलेक्शन ठीक है मुसलमानों को कायद अजम ख़ुद ही पता लग जाएगा कि इलेक्शन का नतीजा क्या निकलता है मगर इन इलेक्शन की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी क्योंकि जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे आफ्टर द Lahore Resolution, ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फोर्टी जितने मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने जो है पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आपस में यूनाइट हो चुके थे और उन्होंने इन इलेक्शन में मुसलमानों को भरपूर तरीके से उनका साथ दिया द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन ऑफ नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स इलेक्शनस नाइनटीन फोटी फाइव में भी हुए और नाइनटीन फोटी सिक्स में भी हुए नाइन्टीन फोर्टी फाइव में आपके पास सेंट्रल लेजिस्लेशन मतलब फेडरल गवर्नमेंट के जो ब्रिटिशर्स के पास थे जो ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी उसके इलेक्शंस हुए और आपके पास फरवरी में आपके पास प्रोविजनल इलेक्शंस हुए ये पाकिस्तान का लोगो था उस वक्त जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उसके लिए उन्होंने एक लोगो बनाया था इलेक्शंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि उस वक्त तक मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अपना एक अलग मुल चाहिए था जिसका नाम था पाकिस्तान सेंट्रल ले इलेक्शन जो आपके हुए दिसंबर 1947 में उसके जब नतएज जाए तो उसके नतज बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नतए जाए क्यों बेहतरीन नतए जाए कि मुस्लिम लीग ने जो है तीस की तीस सारी सीटें जितनी भी थी सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट थी जो असेंबली थी उसमें तीस की तीस अपनी सीटें जीत ली उसकी जीतने की वजह क्या थी कि लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मुसलमानों की कंडीशन थोड़ी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी क्योंकि मुसलमानों के सामने उसका एक उनके अपने मुल्क का नजरिया पेश कर दिया गया था कि नज़रिया पाकिस्तान कि अब मुसलमानों को एक अलग रियासत चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान तो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने बेहतरीन तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेशन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश लेजिस्लेशन असेंबली में बेहतरीन तरीके से थर्टी में से थर्टी सीट्स हासिल की उसके मुकाबले में कांग्रेस ने सेवेंटी टू में से सिर्फ फिफ्टी सेवन सीट्स हासिल की ठीक है सिंध में पंजाब में और बंगाल में मुसलमानों ने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल किए ठीक है बेहतरीन तरीके से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल किए फिर हमारे पास आते हैं प्रोविजनल इलेक्शंस प्रोविजनल इलेक्शंस फरवरी 1946 प्रोविजनल इलेक्शन फरवरी 1946 मुस्लिम लीग ने फिर अगेन आपके प्रोविसेस के फरवरी में 1946 में इलेक्शन और मुस्लिम लीग ने तकरीबन फोर नाइन्टी में से 430 थर्टी सीट्स जीती एज़ कंपेयर टू द इलेक्शन ऑफ 1937 37 के मुकाबले में ये इलेक्शन जो थे बेहतरीन थे क्योंकि 1937 में मुसलमानों ने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हासिल की थी इवन के पंजाब में बंगाल में एन डब्ल्यू एफ ई जो अभी खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है इन सब जगह पर उन्होंने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हासिल की थी मगर 23 मार्च 1940 को जब रेजोल्यूशन पास हो गई मुसलमानों को बता दिया गया कि अब हम सिर्फ अपने अलग मुल्क इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे उसके बाद मुसलमानों की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी तो 495 में से फोर थर्टी आपने प्रोविजनल लेवल में सूबाई उस उसमें इलेक्शन में बेहतरीन तरीके से जीती बंगाल में आपने पूरी मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीती और बंगाल में आपने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की बट कांग्रेस की साजिशों की वजह से आपकी हुकूमत जल्दी ख़त्म हो गई इसी के साथ साथ सिंध में भी आपने बेहतरीन तरीके से सीट्स हासिल की और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की मगर कांग्रेस के साथ आपने पंजाब में और एन डब्ल्यू एफ पी के पी के में अपने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी हुकूमत फॉर्म की तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो थे नाइनटीन फाइव और फोटी सिक्स उसने बेहतरीन तरीके से बता दिया था कि मुसलमान क्या चाहते हैं मुसलमान एक अपनी अलग रियासत एक इंडिपेंडेंट अपना जो है वो मुल्क चाहते हैं जहाँ बेहतरीन तरीके से वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू कॉन्टेक्ट मी टेक केयर अल्लाह